क्लास आज हम लोग अपने बिजनेस स्टडीज चैप्टर में बिजनेस स्टडीज के सब्जेक्ट में सेकेंड चैप्टर करने जा रहे हैं। हमारे जो सेकेंड चैप्टर है द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, प्रीवियसली हम लोगों ने मैनेजमेंट के नेचर का, मैनेजमेंट का फंक्शन, मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस को समझा था, ठीक है। अब हम इस चैप्टर में थोड़ा पिछले चैप्टर से आगे की तरफ चलेंगे और मैनेजमेंट जो एक इंटेलेक्चुअल फंक्शन है, जो हमारे बिजनेस के डायरेक्शन को, हमारे बिजनेस के एम को, हमारे जो बिजनेस में जो हमारे मैन पावर है उनके एफर्ट्स को चैनलाइज करके हमारे जो एम्ड है, हमारे जो भी निर्धारित गोल है उसको इफेक्टिवली ऑब्टेन करने की बात करते हैं मैनेजमेंट में। इस चैप्टर में हम ये समझने वाले हैं कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से ज़्यादा इफेक्टिवली हो सकता है, हमारा मैनेजमेंट कौन कौन से चीज़ों, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जिसको फॉलो करके मैनेजमेंट अपने टारगेट को इफेक्टिवली अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग इस चैप्टर में यही समझने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग इस वीडियो में, जो इंट्रोडक्टरी काइंड का वीडियो होने जा रहा है, इसमें हम लोग प्रिंसिपल वर्ड को समझेंगे, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उनके नेचर क्या होते हैं, शॉर्टली इसी को समझने वाले हैं। ओके, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि तैयार हैं आप लोग समझने के लिए। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो प्रिंसिपल वर्ड से। ओके, हम लोग ने कई हमेशा अपने नॉर्मल लाइफ में बहुत बार ये वर्ड यूज करते हैं, प्रिंसिपल वर्ड, ठीक है। मुझे पता है कि आप लोग इसका मतलब समझते होंगे या सेंस समझते हैं, लेकिन अगर यही चीज़ आ जाए कि हम इसको डिफाइन करें या एक सेंटेंस में इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में कन्वे करना हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम नहीं होगी, सम सेंस तो हमें पता ही है। तो प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो प्रिंसिपल जनरली क्या होता है, हम लोग कई बार बात करते हैं ना, ये मेरा प्रिंसिपल नहीं है, किसी के पीठ के पीछे बुराई करना मेरा प्रिंसिपल नहीं है, झूठ बर्दाश्त करना मेरा प्रिंसिपल नहीं है। ओके, तो जब हम लोग ऐसी बातें कहते हैं तो आप क्या अपने बारे में क्या कहते हैं कि मुझे चुगली करना मेरा प्रिंसिपल नहीं है। इसका मतलब है कि समवेयर यू रियलाइज दैट बैकबाइटिंग इज नॉट गुड, नॉट एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी, नॉट कंसीडर्ड गुड इन सोसाइटी, एक पॉइंट। तो जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं कहीं ना कहीं ये हमारे बिहेवियर को गाइड करते हैं। मैंने कहा ना कि चुगली करना मुझे पसंद नहीं है, तो हम जैसे मुझे पसंद नहीं है, सोसाइटी में भी क्या चुगली करने को, बैक बाइटिंग को अच्छी चीज़ें मानी जाती है, नहीं मानी जाती है। तो समवेयर ये हमारे बिहेवियर को गाइड कर रहे हैं। ये जो बिहेवियर है, जो हमारा जो बिहेवियर है, सोसाइटी उसको कैसे समझती है, राइट और रॉन्ग। अगर उसको रॉन्ग समझती है तो उसको अवॉइड करना, अगर उसको राइट समझती है तो उससे स्टिक रहना हमारे लिए सही माना जाएगा। तो प्रिंसिपल ना कुछ ऐसे रूल्स हैं, ऐसे सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं, ठीक है। बिहेवियर ओरिएंटेड कर देते हैं हम इसको, बिहेवियर ओरिएंटेड गाइडलाइंस, ओके, विच डिफाइंस आवर एक्शन वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, डिफाइंस आवर एक्शन एज राइट और रॉन्ग। ये कोई डेफिनेशन नहीं, हम लोग समझ रहे हैं। और यहाँ से हम क्या करते हैं, हमारा जो एक्शन है उसको हम एक डिजायर्ड वे में ले चलते हैं। डिजायर्ड वे मतलब जैसे होना चाहिए उस तरीके से हम अपने, हमारा जो बिहेवियर है सोसाइटी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और जब हम उसको डिजायर्ड वे में एक सही तरीके से ले जाते हैं तो हमें यह पता है कि एक हमारी जो इमेज है वो अच्छी होगी, ठीक है। इमेज, और चलिए इमेज की बात करते हैं, इमेज बिल्डिंग। हम कुछ भी सही या गलत करते हैं, जैसे हम सोशल एनिमल हैं, आप क्लास में ही होते हो, आपको पता है कि अलग अलग टीचर्स आते हैं, क्लास में आपके फ्रेंड्स हैं, तो आपका बिहेवियर अपने फ्रेंड्स के साथ कैसा होना चाहिए, जो टीचर्स आ रहे हैं उनके साथ कैसा होना चाहिए। स्कूल आवर के बाद आपके लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो आपसे मिलते हैं, आपकी अपनी एक सोसाइटी है। आपने किसी बड़े को देखा तो उनके सामने आप कैसे बिहेव करते हो, आपको लगता है ना कि कोई बड़े आ रहे हैं तो उनकी इज्जत करना है, उनको नमस्ते करना है, अच्छा माना जाता है सोसाइटी में, तो आप करते हो। अगर आप नहीं करते हो तो आपको लगता है कि नहीं करने से आपकी इमेज वैसी बनेगी कि नहीं यार ये डिसिप्लिन नहीं है, सोसाइटी के हिसाब से थोड़ा अलग तरह का है। तो वो चीज़ें यहाँ पे हमें देखनी है। हम अब मैनेजमेंट के हिसाब से अगर इसको वो करते हैं, डिफाइन करने की बात करते हैं,
तो सिंपली समझ सकते हैं कि प्रिंसिपल्स आर सेट ऑफ गाइडलाइंस, ओके, दीज आर सेट ऑफ गाइडलाइंस विच आर ट्रस्टेड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस. ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, देखिए हम जो भी चीज़ों को फॉलो करते हैं समाज में वो एक्सपीरियंस किया गया होता है, एक्सपेरिमेंटेड होता है, ठीक है. आपको लगता है कि कोई बड़े आदमी की आप हेल्प कर रहे हो उसको अच्छा माना जाता है, तो ये सोसाइटी में ये स्टैंडर्ड तय हुआ ना. क्लास में आपके टीचर आते हैं, सारे बच्चे ऑलमोस्ट खड़े होते हैं, आप एक रिस्पेक्ट आप एक्सप्रेस कर रहे हो. अगर एक बच्चा नहीं खड़ा हो रहा है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो बच्चा थोड़ा इनडिसिप्लिन है, एरोगेंट है. तो क्लास के गाइडलाइंस, क्लास के नॉर्म्स के हिसाब से उसका बिहेवियर थोड़ा अलग है, तो उसका जो ऑब्जर्वेशन है क्लास में वो अच्छा नहीं माना जाएगा. तो सेट ऑफ गाइडलाइंस विच आर टेस्टेड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस एंड डायरेक्ट्स आवर वे ऑफ थिंकिंग एंड एक्शंस, ओके. हमारे जो सोचने का तरीका है, हमारा जो काम करने का तरीका है, हमारा जो नज़रिया है उसको ये गाइड करती है, उसको एक इफेक्टिव तरीके से सोसाइटी में डायरेक्ट एक पर्टिकुलर डिजायर्ड वे में ये डायरेक्ट करती है, ठीक है. और सबसे सिंपली अगर हम समझें तो प्रिंसिपल कुछ नियम होते हैं, कुछ देखिए एक चीज़ हम लोग और लेके चलते हैं कि ये जो प्रिंसिपल है और एक वर्ड सुनते हैं हम लोग लॉ, कानून बनाना, दोनों का अगर हिंदी में बात करते हैं तो सिद्धांत, नियम, सेंस एक ही कैरी कर रहे हैं. लेकिन इनमें थोड़ा सा क्या डिफरेंस है कि प्रिंसिपल मोरली सोशल नेचर का है, ये आपसे एक सोशल ऑब्लिगेशन की बात कर सकते हैं या एक्सपेरिमेंटल ऑब्लिगेशन है, ठीक है. इस पे आपकी बाध्यता नहीं है. आपने किसी बड़े को देखा, आपके मामा आए घर पे, आपके टीचर आए क्लास में, आप नहीं खड़ा होते हैं, खड़ा होते हैं, ये आपका अपना ऑब्जर्वेशन है, ये आपका अपना नज़रिया है, ये आपका अपना रिस्पेक्ट है, ठीक है. यहाँ पे फोर्स्ड नहीं है. लेकिन लॉ की जब हम बात करते हैं तो लॉ हमारा क्या होता है, लीगल ऑब्लिगेशन होते हैं. हैं तो ये भी नियम, लॉ भी हमारे नियम है, बट ये थोड़ा लीगल नेचर के होते हैं. लीगल मीन्स जो हमारे हमारी गवर्नमेंट ने बनाया है, जो गाइडलाइंस वो हमें फॉलो करने ही है. तो यहाँ पे ये आप पसंद करते हो या नहीं करते हो ये आपके ऊपर फोर्स्ड होगा. यू हैव टू अवॉइड बाई द लॉ, यू हैव टू फॉलो द लॉ, लॉ मेड बाई आवर गवर्नमेंट, ओके. बट वेन इट कम्स टू प्रिंसिपल, इट्स अ काइंड ऑफ सोशल ऑब्लिगेशन. इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर जजमेंट वेदर यू शुड फॉलो इट और यू शुड नॉट फॉलो इट. बट फॉर अ बेटर इमेज, फॉर अ बेटर कंडक्ट, वी आर सपोज टू फॉलो दीज बेसिक रूल्स, दीज बेसिक गाइडलाइंस, ओके. सो प्रिंसिपल हम लोग समझ में आ रहा है कि कुछ नियम कानून है जिसको हमें फॉलो करने चाहिए, ऐसे नियम कानून को मान के हमारा फायदा होता है, ओके. तो ये हो गया प्रिंसिपल. अब हम क्या करते हैं ना, हमें हमारा देखिए चैप्टर क्या है, ये द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मैनेजमेंट का काम है, मैनेजमेंट का फंक्शन है, उसमें कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करनी चाहिए, ठीक है. फिर मैनेजमेंट का काम हम लोगों ने पढ़ा है ना पिछले चैप्टर में, मैनेजमेंट क्या होता है. तो मैनेजमेंट एक इंटेलेक्चुअल फंक्शन है जिसमें एक फर्म के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनके एफर्ट्स को, उनके जो भी मेंबर्स हैं उनकी एबिलिटी के हिसाब से उनको जॉब अलॉट किया जाता है. पूरे फर्म का एक गोल सर्टेन किया जाता है, गोल डिफाइन किया जाता है. उस गोल को अचीव करने के लिए फर्म्स के सारे रिसोर्स, सारे मेंबर्स के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उन्हें पावर दिए जाते हैं. ऐसी पॉलिसी फॉर्मेशन होती है कि रिसोर्स और मैन पावर के मैक्सिमम और मोस्ट एफिशिएंट वे में यूज करके हम अपने गोल को अचीव करें, कम से कम खर्चे पे, एट मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स. ये सब पढ़े थे ना हम लोग, ठीक है. सेकंड क्या पढ़े थे मैनेजमेंट में, कि गोल हमारा जो अचीव हो वो अचीविंग गोल एट मिनिमम कॉस्ट, ठीक है.
ये अभी हम लोगों ने रिसेंट पढ़ा है, तो हम लोग उसको प्रॉपर डेफिनेशन के थ्रू नहीं जा रहे हैं, बस एक बार रिकैप करना है, उसके सेंस को रिकैप करना है। सो हमारा मैनेजमेंट का नेचर क्या था, मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या था, मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, ये हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा ही है। हम लोग इस चैप्टर में एक्सटेंड करने वाले हैं कि ये जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, जो हमारा काम है, उसको हम कैसे इफेक्टिवली बना सकते हैं कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करके। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, उम्मीद है आप लोगों ने इसको देख लिया होगा। ओके, हम आते हैं अब द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये टॉपिक, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, प्रिंसिपल तो हम लोगों ने समझा है कि सेट ऑफ गाइडलाइंस। मैनेजमेंट हमें पता है कि हमारा जो रिसोर्स है उसको प्रॉपरली रिसोर्स के और मैन पावर के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाना है, उन्हें यूज करते हुए अपने गोल को अचीव करना है। तो गोल को अचीव करने का काम है हमारा, ठीक है। अब हमें यह करना है कि हम जब इस गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, ठीक है, इस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम लोग मैनेजमेंट में गोल को एफिशिएंटली अचीव कर सकते हैं या इफेक्टिवली गोल तक हम लोग पहुंच सकते हैं, ठीक है। सेट ऑफ गाइडलाइंस, ठीक है, उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा जो गोल तक का सफर है, गोल है, वो इफेक्टिवली अचीव हो जाएगा। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर सेट ऑफ गाइडलाइंस दैट इनेबल्स अ फर्म एंड इट्स मैनेजर टू इफेक्टिवली अचीव इट्स गोल बाय एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ओके, एंड स्किलफुल एंड ओके, यहाँ तक ही रोक लेते हैं, ठीक है। दूसरा, आपको पता है कि हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, इट इज बिहेवियोरल, ये बिहेवियर ओरिएंटेड है, ओके, एंड डायरेक्ट्स द वे ऑफ थिंकिंग एंड एक्शन ऑफ स्टाफ और मेंबर ऑफ द फर्म्स, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे है, मेंबर ऑफ द फर्म्स, ठीक है। और ये देखिए, जो भी हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ये सर्टेन नहीं है कि, जैसे साइंस का रूल होता है कि जो रूल है वो फिक्स हो चुका है, तो ऐसा नहीं है। ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं, दीज आर डायनेमिक इन नेचर, दीज आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, समय के साथ कंडीशन के हिसाब से इनको चेंज किया जा सकता है। तो दीज प्रिंसिपल्स आर डायनेमिक इन नेचर, ओके। ये हमारा इंट्रोडक्शन है, हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल वर्ड को समझा है, ओके क्लास। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में इस इंट्रोडक्शन से आगे चलेंगे और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नेचर को समझेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शन को समझेंगे, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं उसको समझेंगे, ओके। तो अभी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी बस दो टर्म से हम लोग इंट्रोड्यूस हुए हैं, जो कि बहुत ईजी है, तो आप लोग इसको समझ चुके होंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इससे आगे बढ़ेंगे, ओके क्लास। आज के लिए बस ये इंट्रोडक्शन क्लास है, तो हम लोग इस टॉपिक को यहीं रोक लेते हैं और अगले वीडियो में हम लोग ज़्यादा एक्सटेंसिवली चलेंगे, और ज़्यादा वीडियो का साइज थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो हम लोग अगले वीडियो में इसको एक्सटेंसिवली करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर द डे क्लास, होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन, ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।